जिस किसी ने भी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के धाम के देवता भगवान श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में जाना, वह भगवान की लीला के सामने नतमस्तक हो गया और जो भी इस मंदिर में एक बार गया उसकी किस्मत खुल गई। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वेंकटेश्वर स्वामी के स्वरूप में भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र के चित्तूर जिले की ऊंची पहाड़ियों पर निवास कर रहे हैं। आज भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने सजीव रूप में दक्षिण की तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित हैं। उनकी दैवीय शक्तियों का आज भी लोगों को आभास होता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह धाम भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सात पहाड़ों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी महाराज का यह धाम ऐसा धाम है जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों की अनुभूति होती है। समय समय पर इस धाम के देवता अपने भक्तों को अपनी जीवंतता का आभास कराते रहते हैं। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी धाम से जुड़े ऐसे आठ रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान तक को हिला के रख दिया। ये ऐसे रहस्य हैं जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं और आज का विज्ञान भी इन रहस्यों को नहीं जान पाया। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले रहस्य की बात करते हैं और वह है बालाजी मंदिर की स्थापना का रहस्य। दक्षिण भारत के इस तिरुपति बालाजी के भव्य मंदिर को कब किसके द्वारा बनवाया गया, इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार इस मंदिर की स्थापना 5वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं तो कुछ 6ठी शताब्दी के। वास्तव में इस मंदिर का संस्थापक कौन था, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला। कहते हैं कि जब विजयनगर के राजाओं ने इस तिरुपति बालाजी मंदिर को सुंदर बनाने के लिए और साज श्रृंगार के लिए इस मंदिर में धन लगाया तो उन राजाओं के वैभव में आश्चर्यजनक रूप से कई गुना वृद्धि होने लगी और इसके बाद यह बात इतिहास प्रसिद्ध हो गई कि इस धाम के प्रभु धन के देवता हैं। तिरुपति बालाजी वह भगवान हैं जो भक्तों के द्वारा स्वयं भी अत्यंत धनवान रहते हैं, अर्थात यहाँ आने वाले भक्तों की तरफ से प्रचुर मात्रा में धन का चढ़ावा आता है। कहा जाता है कि यह तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वार की चौखट वह पारस पत्थर है जिसको स्पर्श करते ही भक्तों के जीवन में धन और संपत्ति की वर्षा होने लगती है। आइए बात करते हैं दूसरे रहस्य की और वह है इस मंदिर की मूर्ति का रहस्य। कहते हैं कि जब इस तिरुपति बालाजी धाम के भगवान की आरती की जाती है तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराने लगती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति दिखाई देती है उस मूर्ति में लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी समाहित है। इस मंदिर की मूर्ति अपने आप में अनूठी है। यह मूर्ति कब कहाँ से इस पावन धाम में आई, इसके बारे में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। आइए बात करते हैं तीसरे रहस्य की और वह है तिरुपति बालाजी धाम में समुद्री आवाज का रहस्य। तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यह समुद्र तल से 32,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के भगवान की मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस धाम के देवता भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति समुद्र से ही प्राप्त हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र की ध्वनि भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम के क्षीर सागर का स्वर है जहां भगवान विष्णु पहले निवास करते थे। उस समुद्र की लहरें अदृश्य रूप से अपने भगवान विष्णु के साथ रह रही हैं। इसीलिए मूर्ति के आसपास समुद्र के लहरों का स्वर सुनाई देता है। चौथे रहस्य की बात करते हैं और वह है मंदिर की छड़ी का रहस्य। इस धाम में तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के द्वार पर एक छड़ी रखी हुई है। यह छड़ी भक्तों को बहुत आकर्षित करती है। मंदिर की छड़ी के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु जब इस धरती पर लक्ष्मी जी की तलाश करने के लिए आए उनके हाथ में यह जादुई छड़ी थी जो भगवान विष्णु को पृथ्वी पर लक्ष्मी जी का पता बता रही थी। इस धाम में आने पर ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान विष्णु यह जादुई छड़ी द्वार पर रखकर मूर्तिवत हो गए हैं। यह छड़ी आज भी भगवान विष्णु के जीवंत होने का प्रमाण दे रही है। ऐसी मान्यता है कि यह वह छड़ी है जिससे बालाजी को बचपन में चोट लगी थी और मित्रों आज भी बालाजी के चेहरे पर उस चोट का घाव है। इसलिए आज भी बालाजी के मूर्ति के चेहरे पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि वह घाव भर सके। छठे रहस्य की बात करते हैं और वह है बालाजी के गांव का रहस्य। इस तिरुपति बालाजी मंदिर में साज श्रृंगार और प्रसाद आदि के लिए चढ़ाई जाने वाली सामग्री तिरुपति बालाजी के गांव से ही आती है। यह गांव लगभग मंदिर से 22 किलोमीटर दूर पर है। यह परंपरा कब और कैसे प्रारंभ हुई आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस गाँव की सभी महिलाएं भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। वे सभी भगवान विष्णु के भजन गाते हुए अपने हाथों से तिरुपति बालाजी को चढ़ाने के लिए मिठाई फूल माला आदि बनाती हैं। सातवें रहस्य की बात करते हैं और वह है राजनीतिक नेताओं और फिल्म स्टारों का यहाँ मंदिर में आने का रहस्य। तिरुपति बालाजी वह चमत्कारिक धाम है जहाँ के देवता को प्रणाम करने मात्र से आपकी सफलता के द्वार खुल जाते हैं।
इसलिए कोई भी राजनीतिक नेता चुनाव लड़ने से पूर्व, कोई भी फिल्म अभिनेता अपनी नई फिल्म की शुरुआत करने से पहले इस मंदिर में आकर माथा अवश्य टेकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अपने मन की अभिलाषा तुलसी दल अर्पित करते हुए सच्चे मन से मांगने पर इस मंदिर के देवता उसे पूरा कर देते हैं। अब बात करते हैं अंतिम रहस्य और सबसे चौंका देने वाले रहस्य के बारे में, और वह है सबसे अधिक अमीर मंदिर होने का रहस्य। इस मंदिर की अपार श्रद्धा देश विदेश के धनी वर्ग के लोगों को भी अपनी ओर खींचती है। कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद इंसान को अपने जीवन में धन की कमी नहीं रहती। इस धाम के देवता के आशीर्वाद के बाद लोगों को धन का लाभ होने लग जाता है, जिसके बाद भक्तगण अपने धन के लाभ का कुछ हिस्सा तिरुपति बालाजी धाम में चढ़ाने लगे। लोगों ने देखा कि हर वर्ष नियमित रूप से धन चढ़ाने से उनका व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग बालाजी महाराज के परम भक्त बन गए। जिस प्रकार लोग अपनी कुल आय का एक भाग अपने घर परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को देते हैं, उसी प्रकार लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा तिरुपति महाराज के चरणों में चढ़ाने लगे। इस प्रकार भक्तों के द्वारा दिया गया धन मंदिर में बढ़ने लगा और दूसरी तरफ उनके घरों में भी। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े 8 ऐसे रहस्य जो दुनिया को अचंभित करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।